SRM टुडे, शहर की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंदसौर के पीजी कॉलेज में छात्रों का एडमिशन नहीं होने के कारण छात्र कई दिनों से पीजी कॉलेज में भटक रहे हैं, जिसके चलते प्रोफेसर छात्रों को राउंड के लिस्ट में नाम नहीं आने और सीटें फुल होने का हवाला दे रहे हैं, जिससे परेशान छात्र प्राचार्य से मुलाकात करने पहुँचे। पीजी कॉलेज में नई उम्मीदों की किरण लेकर अपना भविष्य संवारने के लिए एडमिशन लेने आए ये छात्र वे मजबूर छात्र हैं, जो पिछले कई दिनों से पीजी कॉलेज के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। हर बार इन्हें प्रोफेसरों द्वारा राउंड में नाम नहीं आने का हवाला देकर कॉलेज से भगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जनरल की सीटें फुल हो गई है। इसीलिए परेशान छात्रों ने प्रदर्शन कर प्राचार्य से मुलाकात की। इस संबंध में छात्रों का कहना है कि दो राउंड निकल जाने के बाद भी इन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, जबकि कुछ छात्रों के नाम इन दो राउंड में आ चुके हैं, इसीलिए इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही लाइन में खड़े रहो, तो लाइन में खड़े रहो और कुछ बोलने जाओ फिर चिड़चिड़ करने लगा। मैं वोटर बैठा था ना, दो घंटे हो गए मैं वहाँ बैठे बैठे, फिर जैसे मैं फार्म लगाने गया नॉट अवेलेबल, सर ये क्या हो रहा है, तो कुछ जवाब ही नहीं किया। सर क्या हो रहा है, सर ऑफिस वालों जी। लोकिन भाई बताइए, किस बात को लेकर आए हो, क्या मामला आपका? सर हमें बीए में एडमिशन करवाना है, बहुत दिन हो गए सर हमें आते आते, पहले तीन दिन पहले हमारे लिस्ट में नाम आया था और आज ये बोल रहे कि नई लिस्ट जारी होगी, वो उसमें ये बोल रहे कि जनरल की सीटें फुल हो गई है। ऐसा पहले जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें आपका नाम आया? जी सर, नाम था हमारा। तो आप क्यों उसको संशोधन कर दिया गया है? सर इसकी जानकारी नहीं है हमें। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ परेशान होते हुए? सर तीन चार बार तो अभी आ गए और पहले सेकेंड राउंड में भी आए, बहुत बार आ गए सर हम यहाँ पे। तो अंदर ही सर वगैरह से बात करी, तो सर से बात करी, वो बोल रहे कि जनरल की सीटें फुल हो चुकी है। तो अब क्या होगा फिर आप लोगों का? सर अब एक साल बिगड़ेगा सर वो तो, इस हिसाब से। जी बबर भाई, तो क्या क्या परेशानी है आपकी? सर फर्स्ट राउंड से डाला है फॉर्म, अभी तक नंबर नहीं आया, बोल रहे जनरल की सीटें फुल है, कहाँ से फुल है, एक को भी नहीं लिया, मेरे जितने साथी सब साथ में जिन्होंने भरा था, कहाँ से जनरल की सीटें फुल हो गई बताएं। किसको ले लिया इन लोगों ने, क्या लगता है? ओबीसी जो एसटीएससी वालों को ले रहे हैं। और फिर आप लोगों का? सर हम लोगों को क्या, एक साल बिगाड़ेंगे, घर पर रहेंगे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ परेशानी? डेढ़ दो महीना हो गया सर मिनिमम यहाँ आते आते। तो टीचरों को क्या आश्वासन दे रहे हैं लोग? कुछ नहीं दे रहे सर, कि आएंगे लिस्ट निकलेगी, लिस्ट निकलेगी, कुछ भी नहीं बोल रहे। कुछ धमकी वगैरह भी दी जा रही, ताले वगैरह लगा देंगे? हाँ सर, परसों भी लगा दिया था यहाँ पे और बाहर खड़े कर रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं हमारा एडमिशन हो फर्स्ट राउंड से, हमारे होता तो क्या आगे आपका क्या करना, घर पे बैठेंगे और एक साल बिगाड़ेंगे, यही तो है भारत, भारत की युवा पीढ़ी खड़ी है देख लो ना, और क्या बोले, हाथों फॉर्म ले लिए। लोकेश भाई किस बात को लेकर आए, क्या परेशानी है दिया? सर हम एडमिशन को लेकर आए हैं, मुझे दो महीने हो गए, रूम किराए से ले रखा है, आलोट से आया हूँ मैं, जब भी आता हूँ मेरे को ऐसे करके भेज देते हैं यहाँ से। अब हम इतने सारे जनरल ओबीसी सब इकट्ठे हुए, तो मैं उस दिन भी मेरा नाम आ गया था लिस्ट में, नाम आया तो फॉर्म में भी आया, वहाँ कंप्यूटर पर जाके बताया तो नॉट अवेलेबल। सर अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो फिर आगे से हमारी सीट खाली है, तो फिर यहाँ आके कैसे फुल हो गई, ये हमें को समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है इन लोगों ने कोई पैसे से लेके दूसरों को दे दी, क्या लगता है? सर हमें तो यही लगता है पूरी तरह कि इन्होंने कुछ गणित बिठाया होगा इनके हिसाब से। कैसे गणित? मतलब कि हम आते हैं तो कोई जवाब भी नहीं देता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बोले बस संशोधन कर रहे हैं, सर किस बात का संशोधन हो, तो हमको जवाब तो मिले। हमने बीए में एडमिशन लिया रखा है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर जिनको नहीं मिल रहा है? ऐसे ही है, ये सब एससी एसटी, ये सब हमारे साथ पीछे बहुत सारा खड़ा हुआ है, और मेरे को खुद को दो ढाई महीने हो गए सर, जिस दिन से निकला उस दिन से ये हो रहा है सर। वही कॉलेज प्राचार्य सीएल खींची ने बताया कि अभी सीएलसी राउंड चल रहा है, 28 तारीख के बाद जो लिस्ट निकलेगी उसके अनुसार एडमिशन होगा। साथ ही कहा कि 475 बीए की सीटें हैं और 1300 बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन दिया है, जिसमें प्रतिशत के आधार पर या नियमितता के आधार पर एडमिशन देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। Thank you.
जानकारी मेरे को कि पहले जो सूची बनाई वो कॉलेज के माध्यम से सूची बनी और फिर अभी सर से बात हुई तो बोल रहा भोपाल वाले बोल रहे हम इस सूची को मान्य नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा जो सूची बनेगी उसी सूची को हम मान्य करेंगे। तो सर ये सूची जो छात्रों को पहले लगाई थी, मतलब छात्रों का खिलवाड़ हो रहा है, तो बार बार अभी हमारा नाम आपको सूची से हटाया जा रहा, तो ये क्या मतलब? इनको बोला जाएगा आपका एडमिशन सीएससी राउंड में मतलब लिस्ट लग गई है, और फिर ये बोल रहे हैं कि 28 को नई लिस्ट लगेगी, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा, मतलब इस लिस्ट में नाम आ गया, 28 को नई लिस्ट लगेगी, फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने क्या किया था, 240 मर्ज करके और लगभग 78 की शायद भी हो गया था इस में, आज में आया था क्योंकि 20 की जनरल लिस्ट ने हमें टिकट लगा दी 90 की, 70 की 90 लगा सब पे जोड़ के हैंडीक्राफ्ट भी इसमें आ गया, वो दूसरे भी आगे विकलांग सब आ गए, वो सबको जोड़ के लगा दी, जबकि केवल 40 सीटें जिसकी लड़के भी थी, लड़कियाँ कितनी है केवल 16 वो जो मर्ज हुई, जबकि वहाँ कहेंगे नहीं ये कोई मर्ज नहीं होगी, ये सब सीटें का मर्ज हो गया कि उसके अंदर 28 जो सेकंड पार्ट होगा जहाँ सारी सीटें ओपन हो जाएगी उसके अंदर ही होगा, तो 28 को अपन जो लिस्ट लगेगी उसके अंदर सबके जो बच्चे बच्चे में अपनों ने 20 सीटों के अगेंस्ट 70 को एडमिशन ले लिया था, लिस्ट लगी थी, क्यों लगाई थी ठीक है बता रहा हूँ कि 5 नाम अलग अलग टाइप के हैंडीग्रेड के आते उनके 8 है उनके 10 है सब टोटल करके फिर पहले होता था वो करके लगा दी, सब जगह उसको नहीं ले रहा है, हमने भोपाल बात करी के लिए सर वो मर्ज नहीं होगी 28 तारीख ये टोटल नाम आ जाएगी जो छूटे अभी आए सब आएंगे नाम भी आए जुड़ेंगे जो रिमेनिंग सीट जैसे अभी एससी की सीट है एसटी की सीट है 100 ने शायद एसटी के बच्चे कम पढ़ा है इसमें जनरल नंबर और उसको काउंट करके ना वो सारे सारी वेट आएगा वो सब फिर नहीं आ रहे वो यदि अपने को ये देखा जाता है कि यदि बहुत सारे सर 28 किसी कारण से किसी परसेंटेज अच्छा उसका नाम ना फिर क्या होगा जो बहुत ज्यादा लोअर परसेंटेज अपने यहाँ 50 सीट है सर कुछ बच्चे आक्रोशित होकर आपके पास आए तो उनका कहना है 2-2.5 महीने हो गए एडमिशन नहीं हो पाया फॉर्म भर चुके हैं क्या कहना सर इसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है अभी हम सीएलसी चरण के अंदर हैं सीएलसी चरण में दो चीज़ होती है दो तिथियाँ होती है पहले के अंदर तो शासन द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसी के अंदर उसके एडमिशन होते हैं दूसरा चरण वो होगा जो सीएलसी 27 तारीख बाद होगा वो जिसके अंदर जो बच्चे बच जाएंगे उन सब बच्चों को एक साथ करके उनकी मेरिट निकाल दी जाएगी उस मेरिट के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होगा अभी थोड़ी सी परसों समस्या ये आई थी कि हमने पुराने सिस्टम के आधार पर हमने जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे जैसे महिला पुरुष विकलांग सबके ग्रुप उनको मर्ज करके लिस्ट निकाल दी थी जबकि आयुक्त उच्च शिक्षा से संपर्क किया गया तो वहाँ पाया गया कि ये मर्ज नहीं होगी ये सब मर्ज होगी सीएलसी चरण के सेकंड पार्ट के अंदर और वो होगा 27 तारीख को करेंगे और 28 तारीख से हमसे निर्देश दिया गया कि 28 तारीख को जो लिस्ट लगेगी उसके अनुसार आपको एडमिशन देना है तो अभी बच्चों को समझा दिया हमने और दूसरा एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है कि 475 बीए के अंदर हमारे पास कुल सीटें हैं और लगभग 1300 बच्चों ने आवेदन किया है तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर है शासन के स्पष्ट निर्देश है कि अधिकतम बच्चों को महाविद्यालय में एडमिशन दिया जाए हम भी इस प्रयास में तो 28 तारीख को जो लिस्ट जारी होगी उस 28 तारीख लिस्ट को हम देखेंगे पीजी के अंदर भी देखेंगे डिग्री में भी देखेंगे यदि संख्या हमें लगता है कि जो पूरक के छात्र हैं उनको छोड़कर नियमित छात्रों के अंदर
बीए के लेवल पर 50% तक जिस बच्चे के अंक प्राप्त हुए उनके लिए हमें सीट बढ़ानी पड़ी। हम शासकों को लिखेंगे और विश्वविद्यालय को लिखेंगे कि हमें इसकी एफिलिएशन की फीस जमा करने की अनुमति प्रदान। लिस्ट भी लगाई गई थी, उसमें कुछ बच्चों के नाम भी दर्शाए गए थे, पर उसको नाम लिस्ट हटा दी गई। हाँ, वो इसलिए हटाई गई कि ऊपर से जो बात आई, पहले हमने मर्ज कर दी थी पुराने सिस्टम के आधार पर, लेकिन जो नया सिस्टम डाला उसके अंदर वो मर्ज नहीं कर रहा है। तो बता रहा है केवल एससी एसटी वाले ही मर्ज होगा। आज जो प्रवेश हो रहे हैं वो एससी एसटी वाली दोनों संख्या मर्ज हो गई है, उसके प्रवेश हो रहे हैं। बाकी जनरल की सीट भर चुकी है, ओबीसी की सीटें भर चुकी है, तो ये 28 तारीख के बाद ही इनके प्रवेश हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसआरएम टुडे, मंदसौर। एसआरएम टुडे, शहर की आवाज़।